हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्किल कितने टाइप का होता है और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली लेक्चर में मैं आपको बताया था कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल कितने टाइप का होता है, स्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं और स्लॉट कितने टाइप का होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था। तो इन तीनों प्लेनों में से आप कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टॉप प्लेन सेलेक्ट करने वाले हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट क्लिक करें और ये स्केच का जो आइकन है आप इस पर क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, सर्किल भी टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स का सर्किल जानने के लिए आप सर्किल का जो आइकन है इसके बगल में एक छोटे सा आइकन है इस पर क्लिक करें। तो अब देखिए, पहला है सर्किल और दूसरा है पेरीमीटर सर्किल। सर्किल कमांड में पहला है सर्किल, जिसे कि हम नॉर्मल सर्किल भी कहते हैं, और दूसरा है पेरीमीटर सर्किल। इसमें क्या होता है कि कम से कम तीन पॉइंट पे टेंजेंट होता है, तो उसे हम पेरीमीटर सर्किल कहते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। सर्किल ड्रॉ करने के लिए सर्किल वाले आइकन पर क्लिक करें तो आपका सर्किल का कमांड एक्टिव हो गया। अब आप उस पॉइंट पर क्लिक करें जहां से आप सर्किल स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कोई भी स्केच ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि स्केच को फुली डिफाइन करने में आसानी होती है। तो यहाँ भी हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें तो आपका देखिए सर्किल बनना शुरू हो गया। अब दूसरा, उस पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो देखिए आपका सर्किल बन के तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें और इस सर्किल पर क्लिक करें और ड्रैग करें, और जहां पे आप डायमेंशन को रखना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें। तो आपके सामने डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें डायमेंशन टाइप कीजिए कितना का आप डायमीटर चाहते हैं। जैसे हम इस सर्किल का डायमीटर 130 mm चाहता हूँ, तो 130 एंटर, ओके। तो अब देखिए आपका सर्किल फुल्ली डिफाइन हो गया। नेक्स्ट है पेरीमीटर सर्किल। पेरीमीटर सर्किल बनाने के लिए हमें तीन पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम तीन पॉइंट ड्रॉ करें या फिर हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करें। तो हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल वाले आइकन पर क्लिक करें, सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक करें, ओरिजिन पॉइंट पर क्लिक करें और ड्रैग करें, और जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। अब हम यहाँ पर पेरीमीटर सर्किल बनाएंगे। तो चाहे तो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो पेरीमीटर सर्किल बनाने के लिए सर्किल वाले आइकन पर क्लिक करें और पेरीमीटर सर्किल पर क्लिक करें। तो अब आपका पेरीमीटर सर्किल का कमांड एक्टिव हो गया।
एक पॉइंट पे क्लिक करें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे क्लिक करें और तीसरा पॉइंट पे क्लिक करें, से हम यहाँ पे क्लिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो अब देखिए आपका पेरीमीटर सर्किल बन के तैयार हो गया। अब इस सर्किल पे क्लिक करें तो देखिए तीन पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसमें डायमेंशन दीजिए, डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, लाइन पे क्लिक करें, 170 एंटर, इस लाइन पे क्लिक करें, 150 एंटर, देखिए ओके करें। देखिए आपका पेरीमीटर सर्किल बन के तैयार हो गया और इसमें डायमेंशन देने के बाद ये फुल्ली डिफाइन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सर्किल और पेरीमीटर सर्किल बनाना सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।